केंद्रीय विद्यालय संगठन की 51वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। आगरा के एयरफोर्स स्थित केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। विद्यालय यानी केवी नंबर 1 AFS आगरा के अंदर 51वीं KVS नेशनल स्पोर्ट्स मीट जूडो बॉयज का आयोजन किया जा रहा है और इसके अंदर पूरे देश भर से करीब 341 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन 25 रीजन्स के अंदर बटा हुआ है तो 25 रीजन से टीम इस नेशनल इवेंट्स के अंदर जूडो बॉयज के अंदर पार्टिसिपेट करने आ रही हैं। साथ में इनके 44 कोचेस हैं और 3 एज कैटेगरी के अंदर ये इवेंट होने जा रहा है, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19। अंडर 14 के अंदर 7 वेट कैटेगरीज हैं जिसके अंदर सारे पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे मेडल्स के लिए। इसी तरह से अंडर 17 के अंदर टोटल 10 वेट कैटेगरीज हैं और अंडर 19 के अंदर टोटल 10 वेट कैटेगरीज हैं और इसमें 25 रीजन्स के अंदर सभी रीजन से जो टीम्स आ रही हैं उनमें एक एक प्रिंसिपल कंटिंजेंट लीडर के रूप में आ रहे हैं, साथ में एस्कॉर्ट्स हैं। इनका रिजर्वेशन सेकेंड AC, थर्ड AC या फिर फ्लाइट्स के थ्रू होता है और हमारे KV नंबर 1 AFS आगरा के अंदर इनका स्टे वेन्यू है, मतलब बच्चे विद्यालय के अंदर ही ठहरेंगे और खेलने के लिए जो इनका प्ले वेन्यू है वो अंदर ही एयरफोर्स का स्टेडियम के अंदर है। ये जो 5 दिवसीय प्रतियोगिता है इसका इनॉग्रेशन 16 अक्टूबर को हमारे माननीय एयर कमोडोर SK वर्मा VSM उनके द्वारा 10 बजे किया जाएगा 16 अक्टूबर को और इस अवसर पर, इस इनॉग्रेशन के अवसर पर एयरफोर्स के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।